सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत आने वाले हफ्तों में खुद को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए आक्रामक प्रयासों की योजना बना रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आयातकों ने आपूर्ति के लिए काफी बातचीत की है। अगले दो हफ्तों में जिन प्रयासों के लागू होने की उम्मीद है उनमें यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं निर्यात के लिए गेहूं की गुणवत्ता का आकलन करती हैं, परिवहन के लिए अतिरिक्त रेल वैगन उपलब्ध हो, गेहूं के निर्यात को प्राथमिकता देने के लिए बंदरगाह अधिकारियों के साथ सहयोग हो। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। घरेलू अधिशेष स्टॉक को खपाने और गेहूं की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के दौरान गेहूं की मार्केट पर कब्जा करने और गेहूं निर्यात करने के लिए साझेदारी का पीछा कर रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई से उत्पन्न व्यवधान को वैश्विक बाजार में अपने गेहूं को बेचने के अवसर के रूप में देख रहा है। अधिशेष गेहूं की आपूर्ति के बावजूद रसद बाधाओं और गुणवत्ता के मुद्दों ने वैश्विक बाजार में पर्याप्त मात्रा में बेचने के भारत के प्रयासों को बार बार विफल कर दिया है। वैश्विक बाजारों में इस समय गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी है और रूस यूक्रेन में युद्ध से पैदा हुई स्थिति के कारण वहां से गेहूं का निर्यात रुक गया है। रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया को गेहूं की सप्लाई का एक तिहाई गेहूं सप्लाई करते हैं। ऐसे में भारत के पास अपने गेहूं को निर्यात बाजार में उतारने का और अपनी धाक जमाने का अच्छा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।